स्टार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया नंबर पर अखबार छापने और लोगों को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। साप्ताहिक अखबार चेतना की आवाज के संपादक पर यह मामला दर्ज किया गया है। अखबार को जरिया बनाकर ब्लैकमेलिंग की शिकायतें पहुंची है, जिस पर RNI नंबर से अखबार संचालित हो रहा था। उसका मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक सूचना एवं मंत्रालय में शेख इरशाद उस्मानी के नाम। दरअसल शहर के साकेत नगर निवासी वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह सिकरवार ने जनकगंज थाने में शिकायत की थी कि ग्वालियर में संचालित साप्ताहिक अखबार चेतना की आवाज़ फेक RNI रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर कार इंडिया नंबर से संचालित हो रहा है। इसका संपादक जयप्रकाश मौर्य खबर छापने का प्रकाशन के नाम पर कुछ लोगों से अवैध वसूली कर रहा है। चेतना की आवाज़ की आड़ में जयप्रकाश मौर्य ने चार शहर का नाका निवासी रवि सिकरवार ट्रांसपोर्टर से JP मौर्य ने उनके ट्रक MP07HB5899 को रोककर खबर छापने के नाम पर 5,000 रुपये लिए थे। पुलिस के पास जब ये मामला पहुंचा तो पुलिस ने मामले की जांच कराई। सबसे पहले चेतना की आवाज़ का RNI नंबर MPHIN M54105 की जांच कराई गई। नई दिल्ली में भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयन का कार्यालय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जानकारी मिली कि RNI का नंबर प्रकाशन के स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक और संपादक कोई शेख इरशाद उस्मानी है, जिसने 15 साल पहले निरस्त कर दिया गया है। इसके बावजूद समाचार पत्र संचालित होने का पता लगा। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हाँ, एक बिना रजिस्ट्रेशन के अपना समाचार, लोकल समाचार पत्र निकालते थे, जिसके संबंध में शिकायत की गई थी आवेदकों द्वारा और फरियादियों द्वारा। उनकी जांच की गई, उनके संबंध में दस्तावेज तैयार करके बुलाए गए, मंगवाए गए, उनसे मांगे गए, तो वो मांगने में अपना दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। और जब उनके रजिस्ट्रेशन से संबंधित PRO ऑफिस में और दिल्ली से भी हमने जानकारी प्राप्त की, तो उनके जो रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया वहाँ पर, और ना ही उनकी कोई प्रतियाँ और उसके नाम से कोई रजिस्ट्रेशन पहले भी था। ये किसी इरशाद उस्मानी के नाम से समाचार पत्र संपादित और प्रकाशित कर रहे थे और नाम अपना लिख रहे थे। इस चीज़ सभी की जांच करते हुए अपराध पंजीवृत किया गया है और प्रथम दृष्टया अपराध पंजीवृत करके विवेचना की जा रही है। क्या सही है, क्या गलत है, ये निष्कर्ष में पहुंचकर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर, मध्य प्रदेश से रिपोर्टर विक्की खान की यह खास रिपोर्ट।